कहने का मतलब आदिवासी ही सृष्टि का देव। इसलिए बंधु हमारे मित्रों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, हम बहुत तकलीफ में, ये बात को समझिए गंभीरता से। हम जानते हैं हमारे बीच में राजनीति दल के भी लोग आते हैं, राजनीति करो लेकिन अपने समाज के, सदन में बोलो लेकिन अपने समाज के। आज एक व्यक्ति को नहीं हिंसा करते देखता हूं कि सदन में न बोल रहा है, ना विधानसभा में बोलता है, ना लोकसभा में बोलते हैं। आखिर हमें धर्म की क्या आवश्यकता पड़ी है? क्या धर्म कोड नहीं मिलेगा, धर्म नहीं चलेगा क्या? हमें आदिवासियों का पूरे ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में जब धरती नहीं बनी थी तब से हम लोग का धर्म है भाई। हमने धान का उत्पादन किया है, जल जगन जमीन का विस्तार किया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमको गए। इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी आए हुए हैं, हम लोग संगठन का इसलिए पहले निर्माण किए कि इस अभियान को लक्ष्य पहुंचाना। और अभी भी कहते हैं, आज हमारे क्षेत्र में जाएंगे पत्थरगड़ी हो रहा था, जहां पर मेघा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी का जहां पर जन्मस्थली है, गुजरात के लोग आए, कौन किशोरी सिंह है जो अपने आप को मकवान बोलते हैं, ऐसी भारत सरकार बोलते हैं, और वहां जाकर के पत्थरगड़ी शुरू करते। तो पत्थरगड़ी जो लिखा था ठीक, लेकिन अब आधार कार्ड तुम वापस करो, तुम जो है हम देश का मालिक है, हम अपना कोर्ट बनाएंगे। अरे आदिवासी समाज को कोर्ट बनाने की आवश्यकता है? स्वतः कोर्ट है हमारा, पहा व्यवस्था है, माननीय मुंडा व्यवस्था है, आपके ही अपनी व्यवस्था है, जन्म जन्म से हमारी कोर्ट, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी हम दिग्भ्रमित करने का काम करता है तो हमें मिल बैठ करके उसको विचारधारा से, एक दूसरे से बातों से संवाद बना करके इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज संविधान हमारे बीच है, अब संविधान में बहुत ताकत दी गई, डेमोक्रेटिक राइट है। आप डेमोक्रेटिक राइट में जहां तलवार दिखाना होगा तलवार दिखाइए, और जहां कलम दिखाना होगा कलम दिखाना। आदिवासियों को सबसे ज्यादा यदि मर्डर कर रहा है, हमारी हत्याएं हो रही है, तो कलम से, एक कलम से हजारों आदिवासी समाप्त हो जाता है। तो धर्म का भी कलम जब हम लोग माने गए तो पूरे आईएस के खेमे में, गृह मंत्रालय में खलबली मच गई। अब क्या कहा जाता है कि मैं सबको वोट दे दिया, हिंदू को भी कोर्ट दे दिया, मुसलमान को भी कोर्ट दे दिया, सब आपको भी दिए गए। देखिए 781 जनजाति हमने कोर्ट सबको दे दिए, हाँ दे दिए, तो राम क्यों लिखे हैं भाई? तो हमने कहा कि भाई ये पूरे मिला करके एक कोर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आदिवासी समाज का अपना अस्तित्व है, अपना धर्म है, तो प्राकृतिक पूजक है, अभी भी वो पिछड़ गए। मैं नहीं चाहता हूं कि एक दिन में परिवर्तन करें, लेकिन यदि आप उस धर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी वासित नहीं मिटेगी। और भारत की जनगणना में भी लिखा हुआ केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कि आप किसकी पूजा करते हो पूछेगा। जब जाति प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं अपने क्षेत्र में, लोहरा जनजाति का कुछ त्रुटियां है, गाइडलाइन लिखा हुआ है, आप किसको पूछते हो? ऋषि मुनि को लिखते हैं तो बोलता आप आदिवासी नहीं, उसमें लिखना पड़ता है कि हम पान को ऋषि। आपकी जो है रेस क्या है, आपका नाम ऋषि मुनि से होता है या जानवर पानी पे पेड़ पौधे से होता है, वो लिखना पड़ता है कि नहीं मैं ऋषि मुनि से गाइड नहीं होता, इसकी गाइड। ये मैंने कहा था भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा हुआ, 6 बिंदु में लिखा हुआ। यदि आप आदिवासियों, यदि आपके पीछे कोई बढ़ गया, बढ़िया से पेश कर दिया, ये व्यक्ति हिंदू मानता है, इसकी आरक्षण का समाप्त कर दी जाए, ऑटोमेटिक आप हार जाएंगे, कोर्ट से हार जाएंगे। इसलिए अभी भी हम लोग को धरने की आवश्यकता है, और गांव में जाकर के संगठन बना करके एक प्रचारण का काम करके मां बहनों को, बच्चों को, सभी को एक सिखाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसलिए धर्म कोड
आज के दिन में हम समझते हैं कि एक आदिवासियों एक मंच लाने का बहुत अच्छा तरीका है, और धर्म को इसलिए भी मांग रहे हैं कि हमारा भी देश का अधिकार है जनगणना में अंकित करने में कठिनाई है। आज जाति जनगणना क्यों नहीं हो रहा, धर्म की जनगणना क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी को जिस प्रकार से झारखंड में राजकीय संक्रम पाइल करके विधानसभा से केंद्र को भेजा जो नाम से भेजा सर, लेकिन आप ऐतिहासिक तय करिए कि यहां के सभी कमेटी के लोग यहां के जो माननीय मुख्यमंत्री है उसकी स्मार्ट पर सौंपिए और राजकीय संक्रम पाइल करके केंद्र को भेजने का काम करिए आदिवासी धर्म के नाम। और आपकी पेशा कानून में नियमावली बनाया है कि नहीं, इस पर भी लिखी यदि प्रस्ताव में आई है कि भाई पांचवी सूची का उसमें इंक्लूड करने का प्रोविजन है उसको कर रहे हैं कि नहीं? वन अधिनियम 2006 का मामला आया है उसके मैटर में भी लिखी धर्म और संवैधानिक अधिकार दोनों को लड़ाई करने की आवश्यकता है, और ये बहुत अच्छा मंच है हमारा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। तो इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि धर्म का बहुत बड़ी